परिचय देंगी? मैं कमलजीत शेरावत, पश्चिमी लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी। अभी आप होली मिलन समारोह में यही हैं, तो देश के लिए क्या? सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार सब मिलजुल कर मनाएं और आने वाले समय में, आज होली का एक संदेश ये भी है कि सत्य को चाहे आग में जलाओ, सत्य अपराजित रहता है। तो यही बात हमें आने वाले वोट में भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए काम अपने आप में सत्य है, तो वो सत्य को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना है ताकि सत्य अपराजित ही रहे। अच्छा, आप कितना सोचती हैं दिल्ली में कितनी सीट आ जाएंगी? 7 में से 7, 60% से अधिक। 7 में से 7, 60% से अधिक, 7% से वोट लेकर। धन्यवाद। रहने वाले बच्चे, तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सबके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। पनीर भी होना चाहिए, ठीक है ना? हमने भगवान कृष्ण जी का नाम ले लिया है जी, गणेश जी का गणेश वंदना भी कर ली, तो एक पंजाबी थोड़ा सा एक दो गाने होली के वो भी हो जाए। लोगों को ये लगे, मुझे फोन आया कि भैया कल तो मजा नहीं आया, आज ना आप डीजे जरूर कराना। मैंने कहा 5-6 बजे तक हमने पैसे दिए हुए, डीजे करेंगे सारे, हमारे जितने यंग स्टार हैं हम साथ में करेंगे। तो हमारे बीच में मोंटू मस्ती है, दो गाने पंजाबी के। सुरजीत जी का मैं तेरे दिल नूं धन्यवाद आ जिन्होंने मैनू अपने नाल जोड़िया। एक बारी जयकार मार गए, बोले सोनहा, क्या बात है। रंग बरसे इको भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। इतना चाय पी के जाने उनके घर पे। अरे गाले बोले, अरे आप तो मेन हो महाराज, आप तो मेन हो। अजय कपूर जी, संजय गर्ग जी, नवीन गोयल जी, सनेजा जी, सरदार कुलतारा सिंह जी जो हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं, राम दुलारी बहन जी जो यहाँ के मेन ऑर्गेनाइजर है इस फंक्शन की, पिछली बार तक भूत संभालते थे, आप भी संभालेंगे पक्का विश्वास है। और गहलोत साहब अपने हमारे आदरणीय सुखबीर सिंह जी हमारे बीच में हैं, विजय सोलंकी जी मेरे घर में लड़ाई कर रही है।
मेरे बच्चे कहते हैं दादी काका चार सौ रुपए में ही करवाएंगे। नाम लूंगा उनसे, उनका मैं थैंक्स करूंगा कि मंच पे अभी की जगह नहीं, हमारी बहन देवी गोयल भी हमारे बीच में महिला अध्यक्ष हैं वार्ड की, और संदीप जैन जी महेश बख्शी जी अगर बोल रही है, अभी सिंह जी गुलाब सोलंकी जी राजेंद्र सोलंकी जी कोई नाम भूल भी जाऊंगा दोबारा ले लूंगा, संजय गर्ग जी अमरजीत शर्मा जी उतारे जी आई गई अनमोल कटियार जी हमारे बीच में पटियाले के प्रभारी हैं गोयल जी मनोजा जी राम दुलारी जी आई गई है प्रदीप सिंगल जी थोड़ा लेटेस्ट हैबिट इन ग्रेसफुल मैनर। हम लोग सब यहाँ त्योहार में एक परिवार की तरह रहे, मोदी जी ने तो हमें एक परिवार बना ही दिया है, तो उसी परिवार के सदस्य की तरह आंटी जी आपसे मिलने के लिए बाद में आएंगी, मैं माफी चाहता हूँ मैंने आपको लेट देखा। इस मंडल की सबसे पुरानी अध्यक्ष है उर्मिला नैयर जी, आंटी आप बैठो, आपसे वहीं आपसे आशीर्वाद लेने वहीं आएगी, मैं माफी चाहता हूँ मैंने देखा नहीं था आपको, आप वहीं आएगी कमलजीत जी आपसे। तो लेट अस हैव इट इन ए ग्रेसफुल मैनर। अजीत हमारे मंडल के प्रेसिडेंट हैं और वो कायम बख्शी जी, तो आप कंडक्ट करें, मतलब सारी कहानी खुद कर ली, फिर बाद में कहते आप क्या हुक्म है जी। महेश जी आ गया, मैं आप सबका परिचय, क्योंकि थोड़ा पिछले कॉरपोरेशन चुनाव में वार्ड्स की रीऑर्गेनाइजेशन में भी हुआ था, ये मेरे मित्र हैं महेश बख्शी जी, क्योंकि अब आपका वार्ड जनकपुरी के कुछ हिस्से हैं और काफी बड़ा हिस्सा उत्तम नगर का है, ये उत्तम नगर में रहते हैं, हमारे बीजेपी के इस वार्ड के प्रेसिडेंट हैं महेश बख्शी जी, ये इनका कमलजीत। मैं चाहता हूं कमलजीत जी यहां उपस्थित एक मेरी बहन का स्वागत करें, उनको पहचान मिलनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, जहां मन लगता है वहां कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर मेरी एक बहन यहां मौजूद है, इनकी माताजी भी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और अब वो उनके स्वर्गवास के बाद हमारे चंदन नगर में एक एनजीओ चलती है दिशा स्कूल के नाम से, आप में से कोई गया वहां? एक कौन आप गई है? हम लोग गए हैं। छोड़ दो, हमने ही भेजा। देखिए क्या बात है, हम सब बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, रोज सुबह अखबार पढ़ के बहुत सारी चीजों में कमी भी निकालते हैं। बीनू जी आ गया, हुआ आ गया, ये एक लगभग 30-35 बहुत मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों को पिछले कई साल से, पहले जब माताजी जीवित थी वो चलाती थी स्कूल को, चंदन नगर में पार्क के साथ एक स्कूल है, उन 35-40 बच्चों को उनको खड़ा करना, उनके उनके ग्रोथ की चिंता करना, उनका आप सब समझते हैं फिजिकली और मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए क्या क्या करना होता है, उस एनजीओ को मेरी बहन बीनू जी चलाती है। मैं चाहूंगा आप इनका स्वागत करें, कमलजीत जी आप इनको अधिकारी उपस्थित है, क्योंकि हमारी कैंडिडेट आ रही है, हमारे दुआ साहब हैं, हमारे दूसरे जलगा के महामंत्री हैं, अब एक आध दो का नाम छूटेगा जरूर, मेरे नाम बिल फटेगा, दुआ साहब आप बिल मत फाड़ना, माइक उठा लो, यही प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही बिल फटते हैं, मैं बिलवा लाया था, आप एक दो का नाम लो तो का आशीष ने बुलाया नहीं, बिल मेरे नाम, आप तो अच्छे बंदे, बुराई मेरे नाम। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप हमारी प्रत्याशी बहन कमलजीत सहरावत जी का स्वागत करें, जिन्होंने जिनको नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में काम करने वाली कैंडिडेट है या उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं ज्यादा बैकग्राउंड बताने की कोशिश नहीं करूंगा, जब वो बोलेंगी तो आपके सामने खुद ध्यान में आएगा। कमलजीत जी एक प्रोफेशनल है, पूर्व मेयर तो रही ही है, एक प्रोफेशनल है, हो सकता है यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए इनके काउंसलिंग की भी मदद ली हो, एक विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए
एक बहुत दिल्ली भर में डिमांडेड काउंसलर के रूप में कमलजीत जी ने पिछले 25-30 सालों में अपने प्रोफेशन में जैसे अपने परिवार और पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई है, उसी तरह अपने प्रोफेशन में भी अपनी जगह बनाई है। आप सब लोग वे लोग हैं जो जानते हैं जब आपको अपने बच्चों को विदेश भेजना होता है तो कैसे आप एक काउंसलर को ढूंढते हैं, चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे जो कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच में जिसे भेजा है वो खुद एक प्रोफेशनल है, जिम्मेदारी को समझती हैं, किस तरह से वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करना है, और जी जरूर पूरा कर देना। मेरे घर में लड़ाई हो रही है, मेरे पिताजी दाढ़ी नहीं काट रहे, मेरे बच्चे लड़ रहे हैं उनसे, कह रहे जी जब तक 400 पार नहीं होंगी सूद साहब ने कहा दाढ़ी नहीं काटूंगा। बच्चे लड़ रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं बाहर से, पापा पापा की दादू की दाढ़ी कटाओ। तो इसलिए जरूर, तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पूरी करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कमलजीत जी आपके बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे A3 में होली मिलन के इजाज कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी बड़ों के चरणों में प्रणाम और सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरे साथ मंच पर मेरे भाई आशीष सूद जी, बहुत लंबा हमारा संगठन में साथ है, बहुत लंबे से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। भाभी अनु सूद जी, दुग्गल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई महेश बख्शी जी, अजीत जी, मटियाला विधानसभा के प्रभारी भाई अनमोल जी, बलराज जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा डेजी गोल जी और प्रेम लता जी, जिले में मंत्री और उपस्थित सभी देखिए अभी हुआ क्या है, आशीष भाई को तो एक ही दिन यहाँ प्रोग्राम करना था और दुग्गल जी को रोज शाम को घर जाना है। तो एक दिन 11:55 के आसपास रात को एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा, अरे करीना कपूर का जन्मदिन कब का होता है? उसने एक सेकंड में बताया, फलानी डेट को होता है। उसने बताया ऐश्वर्या राय की शादी कब हुई थी? तो उसने बताया इस डेट को हुई थी। अच्छा ठीक है, हेमा मालिनी कितने साल की होगी? इतने साल की होगी। फिर आज तारीख कौन सी है? तो देखा तो 4 मिनट बाद उसका जन्मदिन जा रहा था। तो दुग्गल जी ने मौका जाने नहीं दिया, भैया आप और हम तो चले जाएंगे, भाभी को दुग्गल जी को घर पे भी करना है। तो इन्होंने वो 4 मिनट गवाए नहीं, उसी टाइम पे मौके पे चौका लगाया और भाभी को यहाँ पे स्वागत के लिए बुलाया। आप सबके बीच में होली की शुभकामनाओं के लिए हूँ। मैं इसी लोकसभा में पैदा हुई हूँ, इसी लोकसभा में मैं पढ़ी हूँ, इसी लोकसभा में मैं रहती हूँ। कुल मिलाकर पश्चिमी लोकसभा अगर मैं कहूँ कि जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवाय जाना कहाँ, तो ये मेरे लिए सत्य है। मैं उत्तम नगर में बॉर्न ब्रॉटअप हूँ, मैं A1 के स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरी बचपन की फ्रेंड यहाँ पे खड़ी है मिसेस मोंगिया, अब अंकल घर पे हूँ तो मोंगिया जी को सब जानते होंगे। तो तरुणा और मैं थ्रू आउट पूरी उम्र ही दोस्त रहे हैं, साथ में संजीव खड़े हैं, तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स यहाँ पर हैं। मेरा कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय था और उसके भी ज़्यादातर बच्चे इसी लोकसभा में रहते हैं। तो जब से मेरा अनाउंसमेंट हुआ है तो मेरे स्कूल कॉलेज के सारे ग्रुप एक्टिव हो गए हैं। मैं यहीं पे द्वारका में रहती हूँ, कुल मिलाकर आपके बीच की हूँ। इस पश्चिमी लोकसभा की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं नहीं समझती हूँ। एक लंबा पॉलिटिक्स का अनुभव रहा, मैं प्रदेश में मंत्री, महिला मोर्चा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पार्षद, फिर मेयर, फिर 2 बार लीडर ऑफ हाउस, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, अब सेकंड बार मैंने चुनाव लड़कर मैं द्वारका से काउंसलर हूँ। मैंने अपने मेयर टाइम में काम करने की जो कोशिश की उसका नतीजा ये था कि साउथ कॉरपोरेशन पूरे भारत में फर्स्ट आई ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिता में और साउथ MCD को राष्ट्रपति जी द्वारा अवार्ड दिया गया। अपने समय में मुझे 2 बार UNO भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया, मैंने इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। वेस्ट टू वंडर के पार्क आप देखते हैं, ये 18 फ्लाईओवर और वेस्ट टू वंडर पार्क जो हमारे पास रेहड़ी पटरी का सामान गलता था सड़ता था स्टोर के अंदर, उससे हमने 7 वंडर पार्क बनाए जहां आज फुटफॉल 20,000 से लेकर 50,000 डेली की है। उस पार्क से इतना रेवेन्यू आज कॉरपोरेशन को होता है। मेरे सेनापति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
10 साल का रिपोर्ट कार्ड उनके हाथ में है। दो संकल्प पत्र दिए 2014 में 2019 में, दोनों की रिपोर्ट कार्ड में 90% से ज्यादा उन्होंने काम पूरे किए हैं। और इस संकल्प पत्र के नहीं बल्कि वो काम भी पूरे किए जिसको लेकर हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को। जनसंघ बना था, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, तो 370 और 35 से भी हटाई। राम मंदिर हमेशा से हमारा एक ध्येय रहा है, वो भी बना, लेकिन राम का मंदिर भारत में बनना हो सकता है बड़ी बात ना हो, लेकिन यूएई के अंदर जब 14 फरवरी को उद्घाटन हुआ है तो शायद वो भारत की बहुत बड़ी पहचान है। कोविड के समय हम लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगी है, 140 करोड़ का भारत बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन वैज्ञानिक को हमें सैल्यूट करना चाहिए, हमारे साइंटिस्ट को जिन्होंने गिवन पीरियड ऑफ टाइम अपने घर छोड़े और ये दवाई इजाद की और उसके बाद ये कोविड का इंजेक्शन बना। ये कोविड का इंजेक्शन वैक्सीन हमें ही नहीं मिली, ये फिजी के राष्ट्रपति को भी फ्री में मिली, तभी उसने एयरपोर्ट पर जब वो रिसीव करने आए तो मोदी जी के पैर छुए थे, क्योंकि उन जैसे 80 देशों को भी फ्री में भारत ने वैक्सीन दी थी। आज भारत विश्व गुरु बनना चाहता है दिलों को जीत कर, और वैसे भी हमारी पहचान है कि हम किसी भी हालात में रहे हों, हमने कभी किसी के ऊपर अधिकार जमाने की नहीं सोची, हमने सबकी सेवा की है। राम लंका जीत गए थे लेकिन वहां पर राज नहीं किया, विभीषण को देकर आ गए थे, तो आज उसी परंपरा को निभाते हुए हम भी यही चाहते हैं कि हम लोगों के दिलों पर राज करें। और एक बात सत्य है हमारी पार्टी के बारे में कि कुछ और ना आता हो हमको हमें प्यार निभाना आता है, तो हम अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए प्रेम निभाना जानते हैं। और अगले 25 साल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, युवाओं को रोजगार लेने नहीं देने वाला भारत, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करने वाला भारत, इस विकसित भारत की कमांड के लिए आज मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सैनिक के रूप में आपसे अपील करती हूँ और एक विश्वास दिलाती हूँ, मोदी जी जितनी मेहनत देश के लिए करेंगे मैं पश्चिमी लोकसभा के लिए करूँगी, इस बात का मैं वचन देती हूँ। और 5-10 मिनट में खाना भी रेडी हो जाएगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े थोड़े लोग जाके खाना लें, खाना बहुत मेरे हिसाब से हमने 600 लोगों को बनवाया है, यहाँ 400-500 लोग ही है हमारे सम्मानित नागरिक, तो अभी हम एक झांकी निकलवा रहे हैं। हमारे साथ हैं पॉप सिंगर, पंजाबी पॉप सिंगर जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आइए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं के बारे में। सर अपने बारे में बताएं आप। सत श्री अकाल, मैं तुहाडा अपना मोंटू मस्त पंजाबी पॉप सिंगर, और मैं अज जनकपुरी सुरजीत सिंह दुग्गल जी ने होली का प्रोग्राम कराया है, बहुत वधिया प्रोग्राम गैट टूगेदर है, सभी वड्डे वड्डे बंदे लोग आए हुए ने, और मैं भाजी का दिलों थैंक्स करदा, मैं इनवाइट किया, मैं अपने नाल जोड़िया, उन्होंने ब्लैसिंग्स मैं मिली, और सभी वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। अच्छा, पंजाबी सिंगिंग में आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं पंजाबी सिंगिंग में इस लाइन में 2002 से हूँ। 2002 से? हाँ जी। कितने गाने गा चुके होंगे? टोटल मेरे 8 गाने आ चुके हैं, 4 पंजाबी हैं, 2 बॉलीवुड हैं और एक आइटम सॉन्ग है, हर तरह के गाने हैं। अच्छा, और आगे भविष्य में कुछ? आगे मेरे प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है, अभी थोड़े टाइम बाद मेरा अपना खुद का लिखा एक गाना है बहुत जल्द आ रहा है, जिसका वीडियो भी कंपोजर में हूँ, राइटर में हूँ। Okay. और उससे पहले मेरा एक डिवोशनल सॉन्ग आया था माता रानी का, लाल चुन्नी वादी, वो भी मैंने कंपोज किया था, लिखा था, सीमा डोगरा जी ने उस सॉन्ग को रिलीज किया था। इस होली मंगल मिलन समारोह के बारे में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सब एक मिल के रहें और ऐसे ही रंगाराम कार्यक्रम जो होते हैं इनमें जुड़ें और इकट्ठे रहें। अच्छा, एक राजनीतिक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि इस देश में अभी चुनाव हो रहे हैं, हाँ जी, तो आप क्या सोचते हैं कांग्रेस और बीजेपी और ये जो इंडिया अलायंस बना है, हाँ, इसमें से कौन आएगा? सर देखो, ये तो जनता के ऊपर है, हम भी यही सोचते हैं कि कोई ना कोई तो आए, हम भी अपने प्रयास कर रहे हैं, बाकी जो रिजल्ट होएगा जनता का पता लग जाएगा आपको। आपकी अपनी पर्सनल राय? सर पर्सनल राय मैं अभी नहीं दे सकता, बट जो होएगा अच्छा होएगा, वो टाइम पे पता लगेगा। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद पंजाब जी। और होली के ऊपर दो गाने गाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे कीने मारी पिचकारी तोहरी भीगी अंगिया,
रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। हैप्पी होली एवरीवन। हैप्पी होली। ओके मंटू मस की तरफ से ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। ये चैनल बहुत आगे जाए और इसके बहुत सारे व्यूज बने और ऐसे तरक्की करे ये चैनल। और जस्ट न्यूज़ को भी मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया चैनल है और कीमती समय निकाल के हर जगह वेन्यू पे पहुंचा होता है और ऐसे ही ये चैनल आगे पहुंचे। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। बच्चों को डांस सिखाना उनके लिए एक्सरसाइज होती है। शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है और जनकपुरी में हम बहुत सालों से अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। मुझे 15 साल हो गए इंस्टीट्यूट रन करते हुए। 15 साल हो गए। असालतपुर जनकपुरी में। अच्छा जनकपुर। वैसे तो मैं 35 साल हो गए हैं। अच्छा हमने सुना आप छोटे को बाइक भी से चलाती थी। हाँ मैं बाइक बचपन से चलाती थी। अच्छा। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं इंसान के अंदर लेकिन मुझे बाइक चलाना मेरा पैशन था। अच्छा घर से कितना सपोर्ट मिला आपको ये सब समाज सेवा का काम करते हुए? घर से एक्चुअली मेरे मदर फादर तो बहुत अच्छे रेपुटेशन से गजेटेड ऑफिसर थे। हमारा डांस का प्रोफेशन नहीं था। मेरे पापा में डॉक्टर थे। मेरी फैमिली डॉक्टर्स लाइन में है मेडिकल लाइन में थी। ये सिर्फ एक शौक ही मैंने सीखा हुआ था बाद में मैंने इसको प्रोफेशन बनाया क्योंकि मुझे बहुत पसंद था और बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज बेस्ट है हेल्थ के लिए इसलिए मैंने बच्चों को सिखाया। कुछ बच्चे भी जुड़ गए तो फिर मैंने इसको धीरे धीरे रन करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों क्या कहना चाहेंगे आप अपनी मैडम के बारे में? ये कहना चाहेंगे कि जब पहले मेरे को डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं था बट मैं जब मैम से सीखा तो मुझे मन करा करने का तो मैं कम 5-6 साल से कर रहा हूँ मैम के साथ ही। काफ़ी स्टेज पे किया है मैंने जीता भी हूँ मैं काफ़ी चीज़ें मेडल। कितना इम्प्रूव हुआ? काफ़ी सारा हुआ। मैं अपने स्कूल में बच्चों को सिखाता भी हूँ। अच्छा सिखाते भी हैं? सिखाने लग गया। आप बताएं आपका नाम क्या है? वंश सैनी। सेवन सी मैडम से सीखते हैं? हाँ जी पहले मैम हमारे स्कूल में ही थी तो वहीं से सीखता था पर उस बार मैम स्कूल से नहीं मैम लीव कर दिया तो फिर मैं मैम के पास जाता हूँ। मुझे भी 1 साल हो चुका है बहुत इम्प्रूवमेंट मिली है और बहुत सारे स्टेज शो भी किए मैंने। घर से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? घर से मिलता है अच्छा मिलता है सपोर्ट। मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। है? हाँ जी। घर पे मम्मी पापा को डांस करके दिखाते हो? हाँ जी करते हैं बिल्कुल बिल्कुल करते हाँ जी। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम हर्षी है। अच्छा। और हमारी मैम बहुत अच्छी हैं हमें डांटती भी है और सिखाती भी है। प्रतिभा मैम। प्रतिभा मैम। प्रतिभा शर्मा। आपको करते हुए? अभी 3-4 मंथ हो गए। 3 साल हो गए? 3 मंथ। अच्छा। 3-4 साल हो गए। मम्मी पापा कितनी सपोर्ट करते हैं? मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी पापा को डांस करके दिखाते हो? हाँ दिखाते हो। हाँ। क्या कहते हैं? वो कहते हैं अच्छा है और सीखो। अच्छा हाँ। और तरक्की करो। हाँ बेटे आपका नाम क्या है? आन्या। आन्या आन्या आप क्या करती हैं? मैं मतलब मैम मैं यहाँ पे 3 साल से सीख रही हूँ और मैम बहुत अच्छे से सिखाती है हमें डांस और हर एक स्टेप क्लियर करती है और मैम ने हमें बहुत सारे फंक्शन में भी ले जा चुकी हैं और हमें अच्छे से सिखाती हैं और मैं बस कहना चाहती हूँ कि मैम बहुत अच्छा सिखाती है। मैम संजय शर्मा मैं A4C ब्लॉक में रहता हूँ श्री दुर्गा मंदिर कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ और आज जो होली का मिलन हो रहा है यहाँ आशीष शूद और श्री दुग्गल जी के द्वारा और जो आपकी अभी लहर चल रही है देश में अब की बार 400 पार मोदी जी की आवाज़ पे सारा देश एक इकट्ठा है इस होली के अवसर पे सबने प्रण लिया है कि अब की बार 400 पार देश को एक मजबूत बनाना है और राष्ट्र को मजबूत बनाना है ताकि हम हर चुनौती से लड़ें और देश का हर चुनौती से मुकाबला करें। सबको होली की इस पावन अवसर शुभकामनाएं और मुबारकबाद और हमारी बहन जो श्री कमल जी सहरावत हैं उनको हम भारी मतों से इस लोकसभा क्षेत्र से जिताएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। कमल जी शेरावत दीदी जी भी आए थे और बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें बहुत कहते हैं ना औरतों को खासकर बहुत वो मिल रहा है बल मिल रहा है दीदी के आने से और इस क्षेत्र में जितने भी हैं सारे ही अपने अपने स्थान पे बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे आए हैं और दीदी का साथ देने का मौका मिल रहा है। जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि इस बारी 400 पार, तो हमने इस बारी 400 पार करने अपने जिले से और करके दिखाएंगे। महिलाओं के बारे में आप क्या चाहती हैं कि क्या उदाहरण हो रहा है आजकल महिलाओं का? आपने देखा है कि कई हाउस वाइफ हैं जो कि करना चाहती हैं कुछ, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मोदी सरकार के कारण उनको एक प्लेटफॉर्म मिला काम करने का, कि जो रोज़गार जो कि करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सी स्कीमें मोदी सरकार ने ज़रूरतमंद के लिए स्टार्ट करी हैं। आपने देखा कितनी आजकल योजनाएं निकाल दी हैं बच्चियों के लिए, बड़ों के लिए, और राशन भी वितरण करवा रहे हैं। डोर टू डोर सर्विस है दवाइयों के लिए। आपने देखा मोदी जी ने जो दवाई का करा है तो उसके लिए भी कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्विसेज हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं औरतों के लिए। इस बख्शी में वार्ड नंबर 106 से मंडल अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम में हम आए हैं। यहाँ पर होली का बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया A3 ब्लॉक के अंदर, और ऐसे होली के कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में बहुत जोर शोर से हो रहे हैं, और इस बार जो होली के त्यौहार मनाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे उल्लास से मनाए जा रहे हैं, क्योंकि यह श्री राम जी की पहली होली कहलाई जा रही है। जैसे हिंदुस्तान में अयोध्या का मंदिर का निर्माण हुआ है तो श्री राम जी का जन्म के रूप में उसको देखा जा रहा है। जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है तो हम उसको पहली दिवाली, पहले होली के रूप में मनाते हैं, तो इस वाली की होली भी लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, उसमें बहुत जोश है, बच्चे से लेकर बड़े तक इस होली को बहुत दमखम से मना रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस होली पे सभी देशवासी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल मोदी जी ने इसे बना रखा है। और नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जो काम कर रहे हैं, इस समय मोदी की गारंटी जो देश में काम कर रही है, बहुत से नेता बहुत से चीज़ों के लिए गारंटी देते हैं कार्यों के लिए, लेकिन आज पूरे देश में बच्चे से लेकर बड़ा हर इंसान ये कहता है कि मोदी की गारंटी जेन्युइन गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैडम आप बताएं, आप मोदी जी से क्या महिला सुरक्षा के बारे में क्या चाहती हैं? मेरा नाम प्रेमलता लाहौरी है और मैं जिला की मंत्री हूँ। मैं मोदी जी से महिलाओं के लिए, देखिए वैसे तो हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हम उनको ये कह सके कि उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे, कि हम कुछ उनके लिए बोले। उन्होंने पहले ही हमें, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को जो एक इज्जत दी है और उनको बराबरी का दर्जा दिया है, इससे ज़्यादा आप महिलाएं क्या चाहेंगी? और देश में सुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं, और महिलाओं को आगे बढ़ने का जो उन्होंने मौका दिया है, और सबसे बड़ा क्या है कि मेरी जो बहनें 3 तलाक से पीड़ित थी, जो प्रताड़ित थी एक तरह से, उनका जीवन ही खराब हो जाता था, उसकी लड़ाई जो मोदी जी ने लड़ी है वो पिछले 70 साल से किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हमारे लिए तो कर लें, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए वो बहुत कुछ कर जाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। और मैं कहती हूँ मेरी उम्र का थोड़ा सा भी अगर भगवान मेरी प्रार्थना सुने कि मेरे मोदी जी नरेंद्र मोदी जी को मेरी उम्र दे एक दिन की, उनको लग जाए। मैं अपने देश को सुरक्षित चाहती हूँ, और देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, तो इसी बात को लेकर मैं नरेंद्र मोदी, और हमें इतनी अच्छी कैंडिडेट दी है, और जनकपुरी के लोगों में जिस दिन से 17 मार्च से जब से इनका नाम अलाउंस हुआ है तो महिला को दिया है। आप कितनी खुश हैं जो आपके यहाँ से महिला सहरावत जी को प्रत्याशी बनाया गया है? मैं तो 100% खुश हूँ कि मेरी महिला कैंडिडेट इतनी सुलझी हुई है और इतनी समझदार है। मैं कह रही हूँ उसी दिन से हम लोगों में इतना उत्साह है, और महिलाओं का भी को भी इतना उत्साह है। आप देख लीजिए किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप तो नोट कर रहे हैं, आप तो सबकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपको पता चल रहा होगा कि भाई देखो महिलाओं को एक झूठ और एक सच, और गारंटी मोदी जी की है वो 100% है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी को, मेरे नरेंद्र मोदी जी को सत सत नमन करती हूँ, और दिल से उनको अपने उनके लिए बहुत बहुत भगवान से दुआएं करती हूँ
कि मेरे देश का प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी। अच्छा ਚੱਲੇ
होली बरसाने की जब से निराली राधा बरसाने वाली होली बरसाने की जब से निराली शाम बरसाने मत आइयो नहीं तो लख मार भगाऊंगी नहीं तो लख मार भगाऊंगी होली का मजा चखाऊंगी नहीं तो लख मार